अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इफ्तार के टाइम, और यहाँ पर जी ड्रिंक्स रेडी हो रही हैं, क्योंकि इफ्तार में सबसे पहले ना मैं ड्रिंक्स तैयार कर ना इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे खासे ना ज़रा ठंडे ठंडे हो जाएं। और यहाँ पर मसला ये हो गया कि मैं इफ्तार में स्टार्टिंग से ही एक ही ड्रिंक बनाती आ रही हूँ, जामी शीरी। और आज घर वालों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि हमने ना दो ड्रिंक बनानी है, और हम टैंग भी पियेंगे और जामी शीरी भी पियेंगे। मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ये कि मैं एक बड़ा जग बनाती होती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही बड़े जग की आदत पड़ गई हुई थी, और मुझे आइडिया भी हो चुका हुआ था कि कितना पानी जाएगा और कितनी चीनी ऐड होगी इसके अंदर। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे दो यानी बनाने थे ड्रिंक, तो मैंने किया क्या, उसी ही बड़े जग में मैंने पानी लेकर ना इसमें कन्वर्ट किया, और जितना पानी बच गया ना उस हिसाब से मैंने इसमें ना चीनी कम ऐड कर ली। देखा मेरा माइंड बस खाना बनाते हुए ना ज़रा थोड़ा सा इंसान को हिसाब किताब भी रखना चाहिए है। और यहाँ पर मामा के लिए अलग से यानी जामी शीरी बनता है शुगर फ्री का, और इसमें मैं कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ शरबत ही यानी ये जाता है इसके अंदर। और मीठा जितना मैंने हिसाब से डाला था ना माइंड में कि हाँ इतना यानी बड़ा जग है, छोटे जग में मैंने कन्वर्ट किया था यहाँ पर, तो मीठा बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन गया था। रोज़े की हालत में ना हर एक किचन में ना इसी तरह का ही हिसाब किताब चलता है कि कितना यानी नमक ऐड करना है, कितनी चीनी ऐड करनी है। और यहाँ पर मैं मिनी समोसियों के लिए ना मिक्सर अगेन बना रही थी, क्योंकि वो मेरा पहले वाला ना ख़त्म हो चुका हुआ था मिक्सर, तो इस वजह से। और साथ में हमने आज बनाई थी मीठी भलियें, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को ना इसी वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगी। और ये बेसन की बिल्कुल नहीं है, ये भले बिल्कुल नहीं है, ये मीठी भलियें हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, मीठी मीठी सी होती हैं। हमारे घर में ना ये बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। और इफ्तार का मैं जो सामान था ना वो मैं टेबल पे अभी रख रही थी, क्योंकि अभी ना 5 मिनट थे इफ्तार में, तो इस वजह से आज हमने ना नीचे दस्तरखान भी चाल दिया है, क्योंकि टेबल पे बैठकर ना सही से ना खाया नहीं जाता, तो हमने का देसी तरीका अपनाते हैं और हम ज़मीन पर बैठकर ही खाएंगे, तो इस वजह से अब हम लोग ना ज़मीन पर बैठकर ही इफ्तार करते हैं, और ईज़िली हो भी जाता है और सब मिलकर बैठकर खा भी लेते हैं। और ये माशाल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी हुई है, और आप जिस किसी का भी दस्तरखान देखा करें ना यूँ भरा हुआ, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें कि अल्लाह ताला उनके खानों में बरकत डालें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़क से हम अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं, और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह ही भरें, और अल्लाह ताला सबके रिज़क में यूं ही इजाफा करें, और अल्लाह ताला हम सबको इतना दें कि हम दूसरों की मदद कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इफ्तारी अब हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज अदा की है। अल्लाहु 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 Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं फिर किचन में गई, किचन का सारा काम किया, वहाँ से फ्री होकर फिर मैं सो गई थी। और जब मैं उठी तो भाई ना घर पे आते हुए ना आइसक्रीम लेते आए थे, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गए हुए थे, और ये आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और इसके ऊपर जो नट्स उन्होंने क्रश करके डाले हुए थे ना,
इस नट्स की वजह से ना आइसक्रीम खाने का ना और ज़्यादा मज़ा आया था, और ये बहुत ज़्यादा यमी थी, बहुत ही मज़े की थी ये। मैं आइसक्रीम अपनी इंजॉय कर रही हूँ, आप भी खा लें मेरे साथ। बाद में ये ना कहिएगा कि इकरा ने सुलह नहीं मारी, मैंने आपको कहा है कि आप खा लें पहले। और ना चाहते हुए भी ना अगर ये चीज़ सामने आ जाए ना तो भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाएं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स भी किया करें, और साथ में कमेंट्स में भी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और यहाँ पर जी सहरी का टाइम हो गया, और आप ये बिल्कुल मत सोचने लग जाइएगा कि ये लड़की खाती रहती है, मैं कुछ खाती नहीं हूँ इतना, लेकिन फिर भी वो वीडियो एडिट करने में ना फिर साथ साथ करनी पड़ जाती है, और लोग कहते होंगे कि पता नहीं ये कितना खाती है। और यहाँ पर बनी हुई थी जी भिंडियाँ, जो मेरी फेवरेट से भी फेवरेट ये सब्ज़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात दूर फरमाएं, आमीन। और मैं अब इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।